चौ मुझे चाय पीनी है। चा पीनी है चाय। चाय पीनी क्या मदिया निशान। वाह जी वाह क्या बात। बहुत कारीगर हो गया आजकल मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा। वाह जी वाह क्या बात है। नहीं कोई टेंशन नहीं मेरे पास ये भी चीज है। इसको मैं देखो इसको मैंने इसके अंदर डिप किया है। देखिए इस तरह इसके अंदर डिप किया ये देखिए इजी है। गुड मॉर्निंग माय स्वीट आर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ सब फ्रेंड्स ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह। कामरान भी ठीक है। बच्चे भी ठीक है। अल्लाह पाक सबके खुश और आबाद साथ रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे। जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे शिफा दे। अल्लाह पाक सबकी मुश्किल परेशानियाँ दूर करे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और यूनुस को घर उनकी अम्मी ठीक नहीं है। सभी फ्रेंड उनके लिए बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनकी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक सबकी माँ को सेहत तंदुरुस्ती दे। तो जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद दे। जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटी दे। जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटा दे। अल्लाह पाक सबकी मुश्किल परेशानी दूर करे। जो लोग कारोबार से परेशान है अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे। तो यहाँ पे मेरे पास बैठा हुआ है सुबहान और हम करने वाले हैं नाश्ता। और नाश्ते में क्या करना है जी यहाँ पे आ गया रेहान। तो मुझे लगता है कि अभी कामरान नहीं रेडी हुए तो रेहान हो गया रेडी। जो रेडी हो गया वो मुझे पहले सलून छोड़ाएगा। इसका मतलब कि आज मुझे छोड़ के आएगा रेहान। और यहाँ पे हमारा नाश्ता है चाय है और यहाँ पे बिस्किट है। और रेहान ने पीनी है चाय और सुबहान कहता है मैंने नहीं पीनी। आपके सुबहान ने सुबह सुबहान क्या नाश्ता किया सुबह सुबह। इसने सुबह सुबह मम्मा उठा यार मम्मा मुझे बड़ी भूख लगी मुझे चाय बना दो। सुबह सुबह मेरे ख्याल से 5 का टाइम था। इसको फिर मैंने चाय बना के दी। तो फिर इसको पी से नाश्ता वगैरह किया। गोलू ने छली वगैरह लेके खा रहा था इसी तरह। तो चलते हैं नाश्ता करते हैं। मेरी चाय भी ठंडी हो जानी है। सजी फ्रेंड खाने में अपने फोन पहुँच गई है। सामने क्या हाल है शहजादी ठीक है ठीक ठाक ठाक। यहाँ पे हो गई है समोसा पार्टी। ये देखे यहाँ पे पहले भी इन्होंने मंगवाए थे मैंने इसका व्लॉग नहीं बनाया। तो ये अब से फिर खाने वाली है समोसे और बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे इंजॉय कर मैंने बोला था कि मैंने नहीं खाने लेकिन फिर भी ये इन्होंने मेरे लिए ज़बरदस्ती जो है ना मुझे समोसा खाना ही पड़ गया आज तो मैंने खा लिया। तो जी फ्रेंड्स आसिफा के सलोन में वेलकम है। आज आसिफा बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लिख रही है अपने फ्रेंड्स के लिए। ये लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं और लड़के भी यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी रेमेडी है कि आपको इसका प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। अक्सर लड़कों के भी फेस पे दाने बन जाते हैं ओपन पोर्स है पिगमेंटेशन है। ये उनके लिए ये रेमेडी है बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की चीज़ है। आपने ज़रूर अप्लाई करनी है। मुझे अपने कमेंट में बताना अगर ये आपको रेमेडी कैसी लगी। जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि तमाम जो मेरी वीडियो के पास आती रहे। तो जी रेमेडी की तरफ चलते हैं। जी रेमेडी में क्या चीजें लेनी है आपने। सबसे पहले आपने लेनी है 2 चम्मच मसूर की दाल। जो लाल दाल होती है ना मसूर की छोटे छोटे दाने गोल गोल मसूर की दाल आपने वो लेनी है। दाल को आपने भिगो देनी है। सुबह आपने उसका पेस्ट बना लेना है। उसके अंदर डालना है आपने 1 चम्मच शहद का। उसके अंदर डालना है आपने 1/2 चम्मच ब्लैक कॉफी का। उसके अंदर डालना है आपने 1 चम्मच चीनी का। उसके अंदर डालना है आपने चुटकी भर हल्दी। उसके बीच डालने हैं 2 विटामिन E के कैप्सूल। और इसका आपने बना लेना है पेस्ट और उसको आपने करना है फेस पे अप्लाई। हम ये हफ्ते में 3-4 दफा ये रेमेडी यूज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है आपने जरूर इस्तेमाल करनी है। ये लड़कियां भी यूज कर सकती हैं लड़के भी कर सकते हैं छोटे बड़े सब यूज कर सकते हैं। जिनके फेस पे दाने हैं या जिनके फेस पे पिगमेंटेशन है या निशान है या छाइए हैं वो इस्तेमाल करें। ये बहुत ही जबरदस्त है। आप रेमेडी इस्तेमाल करेंगे आपको पता चलेगा कि ये रेमेडी के कितने फायदे हैं। और जबरदस्त रेमेडी इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये रेमेडी कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स थैंक यू। और सोनिया शहजादी है यार नेल पॉलिश उतार लेके तेरे टेंशन नहीं होती यार। नहीं कोई टेंशन नहीं मेरे पास ये भी चीज है। इसको मैं देखो इसको मैंने इसके अंदर डिप किया है। देखिए इस तरह इसके अंदर डिप किया ये देखिए इजी है। और यहाँ पे लगी हुई है ना थंब पे भी एक मिनट लगता है कोई भी लगता है नींद बड़े है ना इसलिए यार बड़ी जल्दी लाया यार कितनी जल्दी उतर गया सेकंड में। ये इसके अंदर डाल दो सारे एग्री वो भी लोहा नहीं है
करना ही टाइम लाएंगी फिर ले लो। दो मिनट लगते हैं उतारने में, सेकंड ही यार इसमें देखें। वाह यार है बड़ी अच्छी चीज़ है, जल्दी से हो लगा लेती हूँ फिर लगना। इसी तरह कौन सा लगाऊंगा? मेरी गल सुन, चेंज करते हैं जरा काम तो कितना ना, अरे जादू वाला ही काम है यार वैसे। ये देखिए इसके अंदर घुमाना था, इसको निकाल लो इसी तरह। वाह यार जो कोई कहने आसमान ने नेल पॉलिश लगाई दी होंगी तो वह नमाज नहीं पढ़ती या उन्हें नमाज पढ़नी हो तो कि किस तरह लाती है, एक मिनट च लाती है। वजू करने से पहले दो मिनट बंदा जल्दी से उतार ले फिर लगा ले वही कलर। बड़ी मेहनत करनी है यार आसमान तू तो कोई बात नहीं, फिर वीडियो भी बनानी होती है। मुन्नू तो उतारनी पे तो लानी पे ना तो बड़ी टेंशन है। नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे अच्छी लगती है नेल पे लगा हुआ। मैंने जब भी कोई ड्रेस पहना उसके साथ मैचिंग करनी होती है सारी। किसी तरह ये देखिए सारे एक मिनट लगा ना, सेकंड मिनट नहीं लगा, जल्दी से नमाज पढ़ी वजू हो गया तो फिर लगा लो, जो सा मर्जी दिल चेंज करके लगा लो। तो जी फ्रेंड यहाँ पे मैं करने वाली हूँ अपना सैलून क्लोज। यहाँ पे आ गए हैं कामरान साहब मुझे लेने के लिए, अब चलते हैं, बड़ा टाइम हो गया है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया माशाल्लाह से। अब आगे मुझे कामरान लेने चलते हैं, सुबह इंशाल्लाह हमने जाना है लाहौर। सभी ने मेरे लिए बहुत बहुत सारी दुआ करनी है कि मेरे टेस्ट बिल्कुल ठीक आए और जो मेरी मेडिसिन है वो भी कम हो जाए। तो बस अब क्या कहते हैं, बस आपकी दुआ की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है बस। इंशाल्लाह सही आएंगे इंशाल्लाह जी, चलते हैं फिर है ना। तो फ्रेंड चलते हैं अपने घर। और ये देखिए जी मेरा न्यू हैंडबैग आपको कैसा लगा, ये देखें कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। हजार आंदा, हजार आंदा। लगना। ये देखें जी कितना खूबसूरत है कि नहीं है ना प्यारा। अब कामरन करते हैं अपना क्लोज चीजें वगैरह। जी फ्रेंड मैंने सोचा कि कुछ बना लेते हैं जाके, तो यहाँ से भिंडी लेते हैं तो भिंडियाँ पकाते हैं। मुझे तो दिल कर रहा था कुछ ना कुछ सब्जी बनाए, तो अब यहाँ से लेते हैं भिंडियाँ। कामरन भिंडियाँ निकाल रहे हैं अपनी मर्जी से। और यहाँ पे दुकान नहीं अपनी हमने ले लिया, शलजम भी है, छलियाँ भी हैं, और छलियाँ भी हैं भुनने वाली, वैसे गाजर है, मेथी है, पालक, मूली, बैंगन, बैंगन भी मम्मी ने, बैंगन भी सोने ने वैसे। अब देखो कितने प्यारे बैंगन है, आज ही पकाना सारा कुछ। तो यहाँ से हम लेते हैं सब्जी, वैसे भिंडी काम निकाल रहे हैं और निकाल रहे हैं पूलियाँ, पूलियाँ भी नहीं है और जाके भी पकाते हैं। फ्रेंड मैं आ गई हूँ घर, ओ मेरी लाडो मेरी पिंकू। और यहाँ पे ये कपड़े हो गया वॉश, आते ही मिल गया है सरप्राइज बल्ले बल्ले। काम वाली आई जी एक। अच्छा और यार काम वाली नु ना पैसे दे आ गई ना, घर आके काम कर गई ही ते कहंदी सी के आगे तो ना काम करके जाया करो। अच्छा बता ना पेड़ा बंदा रोज रोज काम वाली नु ना। अच्छा ते बर्तन बुर्तन भी जड़े ना तू की सी पसंद है, वैसे मुझे तो पसंद है, कामना को भी पसंद है और आपके सामान को भी बड़ी पसंद है। करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो जी फ्रेंड यहाँ पे होने वाला है काम स्टार्ट। कामरा ने कर दी है भिंडियों की कटिंग, मसाला वगैरह ये बना रहे हैं। वाह जी वाह क्या बहुत बात, कारीगर हो गया आजकल, मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा। वाह जी वाह क्या बात है, भिंडियां फ्रेंड्स देखें जी अच्छी कटिंग कर रहे हैं भिंडियों की, वैसे सही है, हेल्प होनी चाहिए, हेल्प का तो मजा आता है। यहाँ पे मैं भी तो काम करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं आटा गूंदने वाली हूँ, रोटी घर पकनी है, साथ साथ में आटा गूंदूंगी। नहीं रहता मैं काला करो, नहीं तो इसी काम ना बैठो कोई। अच्छा जी तो सीधा रोज कहना भैया नहीं ना डिगर फिर खा लो काम, कोई बात तो चलो बैठ गया फ्रेंड, काम नहीं यार रोज कहना कि तू आराम कर, कोई बात रेस्ट करो, कोई करनी ऐसी है जो चलो फ्रेंड्स फिर मैं इसका साडे साडी अम्मी ने तन्नू गिफ्ट देता था, जुलम कर देता था बेटे, क्या बात ले आके थे वो तन्नू फायदा होगा। फ्रेंड्स वैसे ये कि कामरा ने भिंडी बड़ी जबरदस्त कटिंग कर ली है, तब तक मैं करती हूं कढ़ाई को गरम, ऑयल का गर्म, उसके अंदर करते हैं अपनी भिंडी को फ्राई। चलते हैं मेरे साथ। यहाँ पे मैंने आटा गूंद रही हूँ, यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया था, अब मैं करूंगी भिंडी फ्राई। यहाँ पे मेरे पास ना चिकन फ्राई का ऑयल था, मैंने काली डाला था, इसलिए मैं करूंगी अपनी भिंडी को फ्राई, दो दफा डालूंगी जबरदस्त हो जाएगी।
साथ साथ अपना काम करते रहते हैं। भिंडी फ्राई कुछ यहाँ पे भिंडी हो गई है फ्राई, तो इसको निकालते हैं और भूसे डालते हैं। ऐसे कटिंग काम मैंने अच्छी की है भिंडी की भी, और यहाँ पे जो मसाला पड़ा होगा ना वो भी काम मैंने कटिंग किया है, अच्छा किया। टमाटर टमाटर तो हरी मिर्च है प्याज तो मज़े आ गए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त मैंने काम मैंने कटिंग की है। इसको मैंने क्या डाल लिया फ्राई, इसी तरह काली भिंडी हमारी हो गई है। तो यहाँ पे देखें लहसुन और भिंडी भी सही हो गई है, और यहाँ पे जो मेरा मसाला है टमाटर है हरी मिर्चें हैं और अदरक है, और यहाँ पे मैं करूँगी अदरक किस तरह जल्दी से हो जाएगा ना, हर चीज़ फ्रेश हो ना उसका मज़ा आता है। जो स्टोर मसाले करके पकाओ ना उन्होंने गल वाली नहीं होती। हाँ देखिए यहाँ पे अदरक भी मेरा हो गया, इसलिए मैंने अदरक डाल दिया सारा इस तरह। अदरक वैसे ऐसा भी भिंडी का ना बड़ा मज़ा आता, बहुत ही जबरदस्त बड़ा मज़ा बनता है, तो बड़ी खुशबू आ रही है भिंडी। वैसे तो मैं भिंडी जड़ी है ना प्याज कम होए ना वो ज़्यादा पसंद है। मैं ना इस चैट पर क्या करना है यहाँ पे ना तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ, अच्छा मेरा जल्दी से ज़्यादा काम हो जाएगा। सही है हाँ जी, वाह जी वाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चिट्टियाँ रोटियाँ। और यहाँ पे मेरा गया मसाला, इसको मैं करूँगी फ्राई, इसको बनाती हूँ अच्छे से, जल्दी जल्दी काम हो रहा है, ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पे भिंडियाँ भी अच्छे से मसाला भरा रेडी हो जाए, मेरे ख्याल 15 मिनट से भिंडियाँ तो रोटी पक गई है। हाँ जल्दी जल्दी पक गया, फ्राई हुई है, ये फ्राई करके रख दी मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे रोटी बनना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे इसका मसाला है नमक हल्दी जीरा थोड़ा सा सूखा धनिया थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये मसाले जाएंगे इसके अंदर, तो साथ में मेरी बनती है यहाँ पर रोटी जल्दी जल्दी हम बनाते हैं तो खाना इंजॉय करते हैं। मैंने कहा था ना मैंने ना जो भिंडी है ना बड़ी जल्दी से बना लेनी है तेज से, यहाँ पे मसाला भी हमारा इसी तरह मैं भूनती हूँ ज़बरदस्त करके। वैसे गल खुला मसाला मोटा मोटा होए ना तो भुन के तो मजे ओए वाह जी वाह वाह जी वाह। मैं लगता बस ना आप ही कहते सी कि आज मैं शलजम की रेसिपी दसनी है शेयर करनी है, शलजम बना रहे थे ज़्यादा सारा लेट हो गई फिर कल फिर लौट भी जाना है, अभी थोड़े बहुत घर के काम करने वाले थे मेन टेन, तो फिर इंशाल्लाह जल्दी से रेसिपी बताऊँगी आपको शलजम की, वैसे भी मुझे पसंद भी पड़े हैं शलजम। नहीं रोटी ने तो थलो ओ जड़ा दाबड़ा आपे कमानी है। हां ऊपर आ तो ये छोटी थी ना से बड़े स्टाइल है, हुन मैं जा सीख लेंगे रोटी दी फिर आसपास सारी सहूलतां होई लियां, पर जड़ा ना अन्ने ना ओ की कहंदे ने सही जड़ा ना सही, फिर लोगों ने कहना कि कामरान जड़ा ना आसपास दा जड़ा ना वो की कहते नौकर वोटी का आए नौकर वोटी का भी अच्छा। फ्रेंड्स कमेंट दस्यो पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म है नौकर वोटी का तुम कि देखी थी, मैं तो अपनी अम्मी नाल बैठ के देखी सी एक बार बचपन च। देखिए मेरा मसाला कितना अच्छे से भुना गया है और रोटी बन रही है, यहाँ पे जो मैंने की थी भिंडी अपनी फ्राई तो ये भी इसके अंदर चलती है इसी तरह, साथ में मैंने ना आज लहसुन भी फ्राई किया है बड़ा अच्छा लगता है, इसी तरह मैं इसको करूँगी मिक्स, माशाल्लाह बहुत टेस्टी और बनने की स्मूदी आ रही है। हमारी भिंडी है ना जल्दी से बन गई है, कोई इतना टाइम नहीं लगा और आपके सामने है सारे मसाले इकट्ठे किए भुने अच्छे से, यहाँ पे भिंडी रेडी हो रही है वहाँ पे रोटी बन रही है ये देख सकते हैं। इसके अंदर जो ये लहसुन है ना कच्चा वाला इसका बड़ा मज़ा आना है जब ये वाले के अंदर आना है, जल्दी जल्दी रोटी बन गई कामरा को लगी है भूख ये खुशबू के साथ, कामरा की वैसे भी भिंडी फेवरेट है। हाँ
देखिए जी मेरी भिंडियाँ रेडी हो गई हैं, रोटी भी बन गई है और ये है यहाँ पे मैंने अचार बनाया हुआ था ट्यू का और यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है लसूड़े। लसूड़ों का अचार को डाला हुआ मुझे 2 साल हो गए हैं और देख लें इसका कलर माशाल्लाह कितना प्यारा कितना ज़बरदस्त है, देख सकते हैं आप। और देख लें खुशबू भी आ रही है अभी भी, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ताज़ा बिल्कुल फ्रेश है। ये है ट्यू जो मैंने बनाया था, आपको पता है ना इसके बारे में, बड़ा मज़ा आता है इसके साथ रोटी हो तो मैं कह रही हूँ इसके ऊपर एक लसूड़ा रखा हो तो ये थोड़ा सा ट्यूब रखा हो, क्या बात है। इसी तरह से मिक्स ले ले अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी ले ले इसको खाएं, बहुत मज़ा है। तो जी फ्रेंड यहाँ पे हमारा खाना वगैरह रेडी हो रहा, खाना खा रहे हैं कामरान साहब खा रहे हैं और रेहान, और कामरान भी खा के बताते हैं भिंडी हमारी जो कैसी बनी। वैसे कामरान की फेवरेट है भिंडी मजा ही आ गया। मैं कैसी बनी? रेहान कहता था मामा प्याज वाले अंडे बनाने हैं तो मैंने रेहान को दे दिया है सरप्राइज, मैंने बना दी भिंडी। अंडे भी मंगवाए थे लेकिन मैंने भी बोलू आजा तू भी आजा मेरा काका खा लो खा लो, नहीं फुल फुल कोई नहीं खाओ आगे और साथ बैठ के खाओ। यहाँ पे आई हुई है इकरा आई हुई है और फजर और यहाँ खड़ा हुआ रेहान है, अभी हमने खाना खुना खाया है और यहाँ पे देखिए फजर खड़ी है मस्ती तैयार दी। फजर 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 हेलो हाय बोल दो, हेलो हाय मुसा हेलो हाय बोल दो, जान को सब्सक्राइब करो, हेलो हाय बाय बाय करो, हाय बाय बाय हाय। और उस्मान भाई भी आ गए हैं, आयत भी आई हुई, आयत थकी हुई थी तो भी है। और यहाँ पे मूसा, मूसा कैसे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कैसे लाइक करना है, फॉलो करना है, सब लाइक कर दो, देखो इधर आप बोलो, आप बोलो लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक पापा उस्मान भाई भी आ गए हैं। हाँ जी ये वजह हेलो वजह बाबा बेटा जी बेटा इधर इधर देखो ना जाओ बाबा, बहुत बातें करना शुरू हो गया वजह वजह हेलो आई बोल दो, लाइक करो चलो बाबा वो लाइक करो, लाइक करो। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ रहे हैं चाय बहुत ही जबरदस्त और ये देखे और जी जिसने पीनी है ना तो वो बना के पी ले यहाँ पे बैठी इकरा उस्मान और कामरान साहब, चाय का कार्य वेट है। फजर चाय पीनी है, चो फजर चाय पीनी है, चा पीनी है चाय, बिस्मिल्ला। अच्छा जी मेरी जान है मुझे कमेंट आया था यूट्यूब पे, यहाँ पे वो जो छिले हुए नहीं मत निका सुखा पंजीरी जिसे पंजीरी कहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोला कि कामरान से बोलो कि सामान लेके आए तो वो मुझे बना के ना हमें तरीका बता दे। पिस्ते बड़े महंगे, बादाम बड़े महंगे, काजू काजू ना यार हजी कर ना, आस पास लोन गली डाखाना तहसील शकरगढ़ जिला नारोवाल। हाँ जी बादाम शदाम पिस्ते पुस्ते जे अगर कोई चीज आप देसी घ्यो है साडे घर अजे देसी घ्यो अपने को पा लांगे, बाकी लिस्ट भेज देना क्योंकि असीं आसपास देसी घ्यो नहीं खांदी तो है साडे को ते ओदे विच है कि लिस्ट मैं बना के भेज दांगा जे किसे ने बनवाना ना तो बना दांगे, बल्कि वीडियो भी बनायो, वीडियो भी बनावांगे। तो फ्रेंड्स ये बात है कि कमेंट आया हुआ था किसी का कि बनाना है पंजीरी जो निकल सका होता है, वैसे किसको पसंद है, वैसे मुझे तो बड़ा पसंद है लेकिन देसी घी नहीं खाती, डालडा में बनेगा सूफी में बन जाएगा लेकिन ये है कि कामरान पता नहीं क्या चीजें बड़ी महंगी है, चीजा महंगी है जे अगर तुसी चीजा भेज दोगे तो फिर बना देंगे क्या बात है। तो फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज वाला अंडा, यहाँ ने खाना नहीं खाया था और कह रहे मुझे अंडा खाना है, सब लोग आटा खा रहे हैं, मैं उसके उसके लिए बनाऊंगी अब प्याज हो गया ब्रोज के डाला अंडा, चलिए करती हूँ प्याज जल्दी से। तो मैंने खाना अंडा ब्रेड ये है पराठा तो मैं वहाँ उसके लिए बना रही हूँ जल्दी से, बहुत सिंपल उसमें सादा ही खाना है, इसी तरह मैं इसको भून लेती हूँ जबरदस्त करके। तो जी
फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहा है इसका परांठा, साथ में उसका अंडा हो गया रेडी। उसने बड़ा सिंपल सा अंडा खाना था, उसके अंदर थोड़ा प्याज डाला, थोड़ा सा उसको ब्राउन किया हल्का हल्का सा, नमक मिर्च हल्दी तो थोड़ा सा डाला, गरम मसाला, दो अंडे, ये रेडी हो गया यहाँ पे परांठा। तो मामा मैंने भिंडी नहीं खानी, हालांकि रोटी भी बनाई हुई है वो भी पड़ी है उसकी, तो कहता मैंने खाना ही परांठा है। ये पकड़ो और यहाँ पे तुम्हारा परांठा, यहाँ पे तुम्हारा अंडा रेडी हो गया, खाओ जाके, ठीक है? ठीक, चलो मेरा बेटा हैप्पी हो जाओ, ले जाओ। तो फिर यहाँ पे बन गया है परांठे गोलू के। और अगर आपको आती है एक्टिविटी अच्छी लगे तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन बटन पर लाजमी प्रेस करना है, ताकि तमाम जो हमारी वीडियो आपके पास आती रहे। मेरा सुबह सोया हुआ है, जिसने ब्लॉग का करना था एंड तो सो गया हुआ है, तो उसने सुबह जब मैंने जाना है लाहौर फिर उसने उठ जाना है। तो इसी के साथ ही सभी फ्रेंड्स को अल्लाह हाफिज़, फ्रेंड्स को बाय।